प्याज टमाटर शिमला मिर्च काट लिया, भाई काटते हैं बंद वाली गोभी। एक गुपचुप मसाला है जो कि इनका अलग से होता है, इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं करते क्या क्या डाल के मिक्स करके बनाते हैं। और टमाटर उसके बाद डाल रहे हैं बंधा, तो लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। दोस्तों तो कैसे हो आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग सुनने वाला है बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं, एक भाई हैं गोंडा में, अभी बहुत छोटी उम्र है और मैगी का स्टॉल लगाते हैं गोंडा में और स्टार्टअप किया है, तो आज उनका ब्लॉग शूट होने वाला है। आप सबकी उम्र के हैं, हम सबकी उम्र के हैं, तो भाई ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम चलते हैं आज उनका ब्लॉग शूट करते हैं और आप लोगों को उनका वीडियो पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये है भाई साहब का स्टॉल, खाटू श्याम फास्ट फूड कॉर्नर एवं पनीर समोसा, हारे का सहारा श्याम हमारा। तो दोस्तों आज इनका भाई का ब्लॉग शूट करने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त तरीके से, तो चलते हैं भाई साहब से कुछ पूछते हैं और इनसे आज एक मैगी स्पेशल वाली मैगी बनवा के खाते हैं और टेस्ट करते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसी बनाते हैं भाई मैगी। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। अगर आपने हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिएगा, अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद। भाई आपका नाम क्या है? अश्विनी। तो भाई का नाम है अश्विनी, कितने दिनों से बना रहे हो मैगी? एक साल हो गया। एक साल, आपकी उम्र क्या है? 19 साल। भाई 19 साल के हैं और देखिए भाई स्वयं रोजगार कर रहे हैं और यहाँ पे मैगी का स्टॉल लगा रहे हैं, यहाँ पे फास्ट फूड लगा रहे हैं भाई। तो भैया आपकी रेसिपी स्पेशल है, बताइए एक बार, दिखाइए बना के ज़बरदस्त, ऐसा बनाइए कि वीडियो शेयर करें, लोग आपको वायरल कर दें, एकदम उड़ा दें। तो भाई को वायरल करना है आप लोगों को। भाई अभी छोटी सी उम्र में अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किए हैं एक साल से। ये क्या भैया? ऑयल कौन सा कंपनी? सोयाबीन। कंपनी का नाम बताइए थोड़ा। फार्चून। फार्चून, तो भाई डालते हैं फार्चून का सोयाबीन ऑयल। प्याज काट रहे हैं, इधर शिमला मिर्च काट लिए हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च काट लिया, भाई काटते हैं बंद वाली गोभी, कैबेज जिसे कहते हैं। तो इसमें भाई ने डाल दिया शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, उसके बाद डाल रहे हैं बंधा, तो लहरों से डर करके नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो भाई संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनको वायरल कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। भाई इसमें डाल दिए सोयाबीन, इसके बाद क्या डालोगे भाई? मसाले, कौन कौन से मसाले डालते हो? चाट मसाला रहता है। चाट मसाला और क्या और नाम बताइए? गुपचुप, मतलब किसी को बताते नहीं हो? तो ये भाई साहब का स्पेशल गुपचुप मसाला होता है जो किसी को बताते नहीं, एक्सप्लोर नहीं करते किसी के सामने। इसमें नमक और उसके बाद क्या आएगा? चाट मसाला। चाट मसाला आ गया, और क्या आएगा? धनिया आ गया। धनिया। तो भाई शादी वादी हुई अभी आपकी? अभी शादी। शादी कैसी लड़की पसंद है? अरे बताओ ना। एक गुपचुप मसाला है जो कि इनका अलग से होता है, इसके बारे में एक्सप्लोर नहीं करते क्या क्या डाल के मिक्स करके बनाते हैं। डाल दिया इसमें भाई पानी, ये क्या है? अजवाइन सॉस। शेजवान सॉस। शेजवान सॉस, ये भाई शेजवान सॉस। पानी और डाल लें हल्का भाई इसमें, मसाला भाई का। भाई अब डाल लें मैगी मसाला। इसमें भाई सूखी मैगी डाल दी है इसमें। तो कितने रुपए प्लेट है ये वाला? 25 रुपए का हाफ। और फुल कितने का है? 40 का फुल। तो भाई के यहाँ अगर आप मैगी खाना चाहते हैं, चाउमीन खाना चाहते हैं, टिक्की खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आए। 25 का हाफ मैगी है और 40 का फुल है, तो इनका स्पेशल सबसे फूड है मैगी। तो भाई उबाल रहे हैं इसे थोड़ी देर में, कितने देर में हो जाएगा भैया? 5 मिनट में। तो 5 मिनट के बाद भाई का तैयार हो जाएगा मैगी, तो हम आपको खा के टेस्ट करके बताएंगे भाई कैसा स्वाद होता है और भाई के यहाँ मैगी कैसी बनती है। कम मैगी हो गया तैयार और भाई अब निकाल रहे हैं हमारे लिए मैगी। ये मैगी है 25 रुपये का। तो
हम आज एक्सप्लोर कर रहे थे गोंडा में मैगी फूड, जो कि ये भाई स्टार्टअप किए हैं और बना रहे हैं। तो आज का ब्लॉग भाई के नाम रहा, और आप लोग भाई का सपोर्ट करिए और हमारा भी सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, धुआं धुआं मचा दीजिए धमाल। तो दोस्तों टेस्ट करके बताते हैं कैसा है भाई का मैगी। तो दोस्तों ये है भाई का मैगी, हम टेस्ट कर रहे हैं। सभी के मुंह में पानी आ गया होगा, इतना अच्छा इनका मैगी है, ज़बरदस्त। आप भी आइए और टेस्ट करिए। तो भाई का मैगी एकदम ज़बरदस्त है, A1 है। आप आइए टेस्ट करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।